हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन सीसेट प्रीवियस ईयर सीरीज टुडेज अवर टॉपिक इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। यस, कोडिंग एंड डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हर बार क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर से एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 2016 में एक क्वेश्चन था कोडिंग एंड डिकोडिंग में से। In 2017, there was again one question, 2018, two question, 2019, two question, and in 2020, there was one question from coding and decoding. Yes, clear? तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हर बार क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में से आ रहा है। दैट मीन्स कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हम 1 to 2 questions एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। ओके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। यस, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन है क्या। कह रहे कि ए मिलिट्री कोड राइट्स सिस्टम एज दिस वन एंड नियरर एज दिस वन यूजिंग द सेम कोड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज। तो देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग में होता क्या है बेसिकली कि एक कोई भी आपके पास में कुछ वर्ड्स के कोड गिवन होते हैं। फ्रॉम दैट कोड वी फाइंड आउट द लॉजिक। हम लॉजिक फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, एंड वी अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन द क्वेश्चन वर्ड। जो भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास वर्ड होगा उस पर सेम लॉजिक आपने अप्लाई करना है टू फाइंड द आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि हो क्या रहा है। सिस्टम को लिख रहा है वो सिसमेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीन तो हमें देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट यहाँ से हमें लॉजिक मिल रहा है कि टी ई एम को एम ई टी लिख रहा है वो। ओके, बट यहाँ पे आगे भी हमारे पास में दिया हुआ है क्या कि नियरर को ऐसे लिख रहा है कि ए ई एन। दैट मीन्स व्हाट कि ये जो तीन हमारे पास में हाफ पार्ट है इसके लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी आर ई आर तो सेम ही रहेगा। तो हमें लॉजिक क्या मिला कि जो वर्ड है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो वर्ड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है एंड देन देयर पोजिशन इज एक्सचेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भी वही करना है। हमारे पास में क्या गिवन है, फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज फ्रैक एंड सेकंड वन इज सन। ओके, तो अब हो क्या रहा, पोजीशन एक्सचेंज हो रही है। तो सी यहाँ पे आ जाएगा, देन ए आर एफ। ओके, सेम वे इधर पोजीशन चेंज हो जाएगी, एन ओ आई टी। तो ये हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पे है हमारे पास। यस, सी ए आर F N O I T. This is the fourth option, option D. So fourth option will be the correct answer. Okay? सभी ने खुद से भी try करना है question को. Yes, खुद से भी try करना है. और एक बार देखिए कि जितने भी previous year के question हैं, आज हम जो भी questions discuss कर रहे हैं उसमें से कितने आप कर पा रहे हो, उससे आपको idea हो जाएगा कि आपको कितनी और preparation की जरूरत है इस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको कितनी प्रैक्टिस और चाहिए। ओके, यस, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कहते इन ए सर्टेन कोड 256 मींस रेड कलर चौक। यस, 256 मींस रेड कलर चौक एंड 589 मींस ग्रीन कलर फ्लावर। यस, यहाँ पे हमारे पास है ग्रीन कलर्ड फ्लावर। और क्या गिवन है, 254 मींस व्हाइट कलर चाक। 254 मींस व्हाइट कलर चौक। डन। नाउ द क्वेश्चन इज द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट व्हाइट इज। तो व्हाइट को क्या इंडिकेट करेगा। तब देखो व्हाइट, आप यहाँ पे व्हाइट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, दिस इज व्हाइट। ओके, अब व्हाइट का कोड देखना और बाकी क्या है, यहाँ पे कलर है और चौक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो कलर और चौक है वो यहाँ पे भी आ रहा है, कलर और चौक। दैट मीन्स कि जो ये टू लेटर टू वर्ड्स हैं, इन टू वर्ड्स के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा वो भी इन दोनों में होगा। ओके, तो अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, कलर चौक। इसमें क्या है, कलर चौक। तो यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है। दैट मीन्स 25 इज द कोड फॉर कलर एंड चौक। ओके, अब जो रिमेनिंग कोड है वो क्या है, 6 इज फॉर रेड एंड 4 इज फॉर व्हाइट। नाउ आवर क्वेश्चन इज कि व्हाइट का कोड क्या होगा। तो व्हाइट का कोड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। सो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यस,
बिल्कुल क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है। यस, देखिए क्वेश्चन क्या है। इन आर ए एम ओ एन इज रिटन एज 1 2 3 4 इफ आर ए एम ओ एन, इसको क्या कह रहे हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 ओके, एंड दिनेश इज रिटन एज 6 7 5 8 0 9, ये आपके पास गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमाम विल बी रिटन एज, तो हमाम को क्या लिखेंगे, तो यहां से हम देख रहे हैं। हाँ जी, देखिए आप कि जो पर्टिकुलर कोई भी लेटर है उसके कोरोस्पोंडिंग एक नंबर गिवन है, और जो हमारे पास में फाइंड आउट करना है उसके कोरोस्पोंडिंग सभी नंबर हमारे पास अवेलेबल है। दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली वहां से नंबर पिक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमाम एच, एच का कोड क्या है 9, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे 9, डन। ए का कोड देखिए, ए यहाँ पे है, ए का कोड है 2, एम, एम का कोड है 3, देन ए का कोड अभी हमने देखा 2 और एम का कोड है 3, सो योर आंसर विल बी 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3, यस क्लियर, सभी को क्लियर है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जितने भी लेटर्स हैं उनके कोरस्पोंडिंग जो नंबर है या सिंबल है, जो भी कोड है, ठीक है ना, वो सेम सभी आपको आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली पिक दैट कोड्स। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। यस, इफ एल एस जे एक्स वी, एल एस जे एक्स वी सी इज द कोड फॉर मुंबई, इज द कोड फॉर मुंबई, देन द कोड फॉर दिल्ली इज, तो दिल्ली का कोड क्या होगा। यहां पे देखिए द कोड फॉर दिल्ली, अब यहां पे मुंबई का कोड क्या है, यस, मुंबई के लिए यहां पे इसने यूज किया है एल एस जे एक्स वी सी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली कि L से M, L 12th पोजीशन पे है, M आपका कौन सी पोजीशन पे होता है, 13 पे, यहाँ पे हमारे पास में +1 हो रहा है। ओके, S U, U से अपने S से क्या जा रहा है, U, S अपने पास में कौन सी पोजीशन पे होता है, 19 पे, एंड U इज एट 21, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है आपके पास में +2, डन, देन +3, उसके बाद आप देख रहे हो +4 +5 and +6, क्लियर। अब सेम हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी, तो बताओ दिल्ली का कोड क्या होगा। हाँ जी, दिल्ली का आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 and +6, ठीक है। अगर हमने ऐसे बैक जाना है तो हमारे पास में कोड में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 and -5, इस तरह से जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि डी, डी से अगर 1 माइनस करते हैं क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। हाँ जी, क्या मिलेगा हमें, सी। अगर ई, ई इज एट द 5th पोजीशन, और 5th से अगर हम 2 माइनस करेंगे 3, अगेन सी आ जाएगा आपके पास, यस। देन एल इज एट 12, 12 से हम अगर 3 माइनस करते हैं 9, देन दिस विल बी आई and this is D and D, okay, so answer will be C C I D D, yes clear है सभी को, yes। next देखिए, next question क्या है, कह रहा if dollar means divided by, dollar means divided by, at the rate means multiplied by, okay, hash means minus, then the value of 10 hash 5 at the rate of $1.5, ये आपको find out करना है। तो जब भी इस तरह से question आता है जहाँ पे आपके जो particular operations हैं उनके लिए code given है, so क्या करना है आपने उसके अंदर, सबसे पहले जो code है उसको उसके respective जो आपके पास में operator है उसके according आप उसको लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या कहा कि डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई आएगा, ठीक है। एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई बाई, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई हो गया। ओके, उसके बाद हैश मीन्स माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस।
सिंपल, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 into 1। यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जब आपका ऑपरेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर हमने क्या करना है कि जो बोर्ड मास मेथड है, बोर्ड मास ही आप अप्लाई करोगे कि पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व होगा, ओनली आफ्टर दैट यू विल सॉल्व प्लस एंड माइनस। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 5 5 डिवाइडेड बाई 5 1, ठीक है, तो 10 - 1 = 9, सो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्या है कि जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है उसका कोड है, कोड की जगह पे उसको आप पुट करिए, उसके बाद में आप उसको सोल्व करिएगा। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे है, देखिए क्या है, कहता है इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस। यस, कह रहे कि जो बी के बाद के जितने भी लेटर वो सारे किस में आ रहे, लोअर केस में आ रहे, अल्टरनेटिव, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर रिटन। यस, फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ, सेकंड हाफ जून तक आपका फर्स्ट हाफ हो गया, जून के बाद फर्स्ट मंथ कौन सा हो गया, जुलाई, दैट मींस कि जुलाई को हमने कोड करना है। यस, हमने किसको कोड करना है, जुलाई को। अब सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि बी ऑनवर्ड क्या करना है, हमने स्मॉल में लिखना है अल्टरनेटिवली, मींस व्हाट, कि जो ए है वो कैपिटल में आएगा, बी स्मॉल में आएगा, सी कैपिटल आएगा, डी स्मॉल आएगा, ई कैपिटल आएगा, ठीक है, और एफ स्मॉल में आएगा, जी कैपिटल आएगा, और आई आपके पास में स्मॉल में आएगा, क्लियर, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारे जो नंबर्स, जो हमारे अल्फाबेट्स ओड पोजीशन पे है, जैसे 1 3 5, यही हो रहा है, देखो ये 1 3 5 7, तो ये किस पे है, सभी के सभी कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, और जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में है वो कौन से हैं, जो इवन पोजीशन पे है, 2 4 6, ठीक है ना, यहाँ पे एच आएगा बच्चे, यस दिस इज एच, ठीक है ना, जी एच, एच इज एट 8th पोजीशन, ठीक है, आई कैपिटल में आएगा, दैट इज एट 9th पोजीशन। ओके, बिल्कुल क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे हमने देखा कि इवन पोजीशन पे जो लेटर्स हैं उनको हमने स्मॉल में लिखना है, जो ऑड पोजीशन पे लेटर्स हैं उनको हमने कैपिटल में लिखना है, बस यही है। तो यहाँ पे देखिए, जुलाई, जे, जे इज एट व्हाट पोजीशन, 10th पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, दैट मीन्स किस में आएगा, स्मॉल में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल के अंदर, यस इसको हम लिखेंगे स्मॉल के अंदर। उसके बाद यू, यू कौन से नंबर पे आता है अपने पास में, 21, ओड पोजीशन पे, दैट मींस कि किस में आएगा, हमारे पास कैपिटल्स में आएगा। ओके, एल, एल इज एट 12th पोजीशन, 12th पोजीशन मींस ओड पोजीशन, इवन पोजीशन है, दैट मींस कि स्मॉल में अपने पास में आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा। एल, वाई इज एट 25th पोजीशन, ओड है, दैट मींस कि किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। डन, तो ये हमारे पास में ऑप्शन कौन सी है, डी ऑप्शन, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जो कंडीशन गिवन है पहले उस कंडीशन को समझना है हमने, ओनली आफ्टर दैट वी विल आंसर द क्वेश्चन। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2020 का क्वेश्चन है, क्या है, कहते हैं लेटर फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26। यस, जितने भी अपने पास में नंबर है उनको वो कैसे लिख रहा है, 1 to 26 तक मेंशन कर रहा है, क्लियर। इफ जी एच आई, क्या कह रहा है, इफ जी एच आई इज रिटन एज 1 5 7 8 एंड डी ई एफ, यस डी ई एफ इज एज 9 1 2, देन व्हाट इज ए बी सी इक्वल टू, तो ए बी सी क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। यस, हाँ जी करिए, हाँ जी, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कोड क्या है, जी के लिए 7 है, एच 8 एंड आई इज 9। अब यहाँ पे आपके पास बट कोड क्या है, 15 7 8 है, तो अब 15 7 8 कैसे बनेगा आपका 7 8 9 से, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो आप देखिए क्या बन रहा है हमारे पास में, 8 7 एंड 15। ओके, सेम, अब देखते हैं यही सेम लॉजिक दूसरे पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कोड क्या बन रहा है, 4 5 6, एंड इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई 2 तो अगेन हमारे पास में क्या आ जाएगा, 912।
मीन्स व्हाट कि अपना जो कोड है वो कैसे आ रहा है कि उसका पर्टिकुलर नंबर जो पोजीशन नंबर है पोजीशन नंबर हम लिख के उसके बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ए बी सी गिवन है तो ए बी सी के लिए क्या होता है आपके पास 1 2 3 1 2 3 एंड वी मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी दिस विल बी 2 4 6। ओके सो 2 4 6 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर। हाँ जी दैट मीन्स कि आपको फाइनली सिर्फ ये देखना है कि जो आपके क्वेश्चन के अंदर कोड गिवन है वो कैसे जनरेट हुआ है। जब आपको ये पता चल जाता है कि वो कोड कैसे जनरेट हुआ है तो सेम लॉजिक आपने अप्लाई करना है जो आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है। ओके यस दीज ऑल वर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस अब हम कुछ इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुछ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इन ए सर्टेन कोड मिशन इज रिटन एज MSIISNOS देन हाउ इज ऑनलाइन रिटन इन दैट कोड। कह रहे कि ऑनलाइन को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हाँ जी मिशन को ये ऐसे लिख रहा है दैट मीन्स कि क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो लॉजिक अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो कि जो भी हमारे पास में यहाँ पे लेटर्स आ रहे हैं सेम ही लेटर्स हैं सारे वही सेम लेटर यहाँ पे है बट जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। यस जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स कि अगेन पोजीशन चेंज हो रही है लेटर्स की। तो क्या पोजीशन चेंज हो रही है तो यहाँ पे आप देखिए कि एम तो अपनी पोजीशन पे ही है एम तो यहाँ पे भी यहीं पे था और ये जो एस है वो भी यहीं पे है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर है उनकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही फर्स्ट और लास्ट लेटर अपनी सेम पोजीशन पे बट बाकी के जो है ये देखो आई इधर चला गया एस इधर चला गया। दैट मीन्स कि जो टू टू लेटर्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ये देखिए। ओके अब यही सेम लॉजिक हमने अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है ऑनलाइन। ओके तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे जो फर्स्ट और लास्ट लेटर उसकी पोजीशन को सेम रखेंगे उसको हम सेम रखेंगे तो ये ओ ओ यहीं पे रहेगा ई आपका यहीं पे रहेगा। अब जो पोजीशन एक्सचेंज होगी वो इन दोनों की होगी दैट मीन्स कि एल आगे आ जाएगा आपका एन बाद में चला जाएगा। ओके सेम पे आई और एन की भी पोजीशन चेंज होगी तो हो जाएगा एन एंड आई। ओके तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या बनेगा ओ एल एन एन आई ई और ये हम देख रहे हैं किसमें ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके देखिए पोजीशन चेंज का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है पोजीशन चेंज का ही यही क्वेश्चन है तो सभी उसी तरह के मैं क्वेश्चन करवा रही खुद से भी ट्राई करना सभी ने। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इन ए सर्टेन कोड लिम्का इज रिटन एज HJLDZ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिटन एज IFWJBP। तो कह रहा है कि किसको WJBP लिखेंगे दैट मीन्स कि यहाँ पे कोड गिवन है आपके पास में और आपको वर्ड फाइंड आउट करना है या कोड इज गिवन एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है वर्ड फाइंड आउट करना है। ओके तो देखिए पहले लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या लगा हुआ है। कह रहा है कि लिम्का लिम्का का कोड है आपके पास HJLDZ। ओके तो यहाँ से देखिए आप L जो है L इज एट 12th पोजीशन H इज एट 8th पोजीशन दैट मीन्स क्या हो रहा है -4 हो रहा है। यस -4 हो रहा है। I इज एट 9th पोजीशन एंड J इज एट 10th पोजीशन दैट मीन्स क्या हो रहा है हमारे पास में +1। ओके सेम वे M इज एट 13th पोजीशन L इज एट 12th पोजीशन दैट मीन्स -1 C इज एट 3rd एंड D इज एट 4th दैट मीन्स कि +1 एंड ए से जेड जा रहा है दैट मीन्स क्या हो गया -1। हाँ जी लॉजिक मिल गया। अब हमारे पास में क्या गिवन है कोड गिवन है दैट मीन्स कि इसके कोरस्पोंडिंग जो कोड है कोड क्या है IFWJBP दिस इज द कोड एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वर्ड। अब देखिए जब हमने इस वर्ड से कोड फाइंड आउट किया तो हमारा लॉजिक क्या था -4 +1 -1 +1 एंड देन -1 मीन्स कि जो फर्स्ट लेटर है उसके लिए 4 का डिफरेंस और बाकियों के लिए 1 1 का डिफरेंस है 1 इज +1 इज -। ओके तो जब हम बैक जाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा ये प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस दैट मीन्स कि जब अगर मैंने बैक जाना है तो क्या हो जाएगा +4 -1 +1 -1 +1 इस तरह से चलेगा।
ओके तो अब आई के अंदर आई इज एट नाइन्थ पोजिशन, नाइन के अंदर अगर मैं फोर एड करती हूँ देन आई विल गेट 13 एंड एट द 30th पोजिशन क्या होता है हमारे पास 13th पोजिशन पे M होता है, यस। देन F से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास E, W, W से नेक्स्ट आएगा अपने पास में X, ओके एंड J, J से हमारे पास में आगे हमारे पास क्या आएगा, यहां से हमारे पास माइनस करना है तो क्या आएगा I, देन प्लस एंड देन माइनस, ओके सो क्या निकल गया है मैक्सिको, मैक्सिको विल बी द करेक्ट आंसर। तो जिन जिन का भी मैक्सिको आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यस मैक्सिको इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है सभी को, ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है, प्रैक्टिस के लिए भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट, इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट Every alternate letter from B onward is written in small letters, while other are written in capitals. Then how will the third day from Tuesday will be coded? Third day from Tuesday. Yes, Tuesday के बाद third day क्या आएगा? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. That means क्या आएगा? Friday आएगा. Yes. और फ्राइडे और यहाँ पे इसने कंडीशन क्या कही हमें कि एवरी अल्टरनेट लेटर फ्रॉम बी ऑन वर्ड इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, दैट मींस व्हाट कि अपने पास में ए कैपिटल आएगा, बी स्मॉल आएगा, सी ठीक है ना, सी कैपिटल देन डी स्मॉल, ई कैपिटल, एफ स्मॉल, जी कैपिटल, एच स्मॉल, मींस व्हाट कि जो इवन पोजिशन पे लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में है, जो ऑड पोजिशन पे है वो किस में हमारे पास में, हाँ जी ओड पे कैपिटल लेटर्स के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, एफ, एफ कौन सी पोजीशन पे आता है, सिक्स पे, एफ इज एट सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन पे दैट मींस कि स्मॉल आएगा तो हमारे पास एफ आएगा स्मॉल, आर, आर इज अगेन स्मॉल आएगा 18th पोजीशन पे है, आई, आई इज एट 9th पोजीशन, ठीक है आई इज एट 9th पोजीशन तो कैपिटल आएगा, डी, डी आपका फोर्थ पोजीशन पे है स्मॉल आएगा, ए कैपिटल एंड वाई विल अगेन कैपिटल। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपके पास में, दिस विल बी द कोड, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, डन, क्लियर है सभी को। सो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इन ए सर्टेन कोड सीक्वेंस इज कोडेड एज एफ डी ओ एफ वी आर टी एफ टी, हाउ इज चिल्ड्रन कोडेड इन दैट कोड, चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या है, एस ई क्यू यू ई एन सी ई, इसको क्या लिख रहा है वो एफ डी ओ एफ वी आर एफ टी, ओके। तो यहां से आप देखिए कि अगर हम पास में देखते हैं यहाँ पे एस के बाद एफ आ रहा है, एस से एफ काफी दूर पड़ता है, एस टी, एस के साथ में टी जो है नेक्स्ट लेटर बनता है तो यहाँ पे हमें टी मिल रहा है, ओके इसी तरह से ई के बाद एफ, यहाँ पे हमें एफ मिल रहा है, क्यू के बाद टी, क्यू, क्यू के बाद अपने पास में आर, तो यहाँ पे हमें आर मिल रहा है, ओके दैट मींस क्या हो रहा है कि पोजीशन हमारी कैसे एक्सचेंज हो रही है, दीज आर एक्सचेंजिंग इन दिस वे, ओके सेम हम अप्लाई करेंगे चिल्ड्रन पे, हाँ जी। तो R यहाँ से अपने पास में जो N है N पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आएगा और क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है, ठीक है ना, साथ में प्लस वन हो रहा है तो क्या आ जाएगा N O E F R S D E L M I J H I एंड C का हो जाएगा आपके पास D, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में कोड क्या बन रहा है, ओ एफ एस, ओ एफ एस ई एम जे आई डी, दिस इज द कोड फॉर ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यस क्लियर है। हाँ जी सभी ने वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यस। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मिनेंडर इज कोडेड एज 4515459 देन मैथमेटिक्स इज कोडेड एज, यस अब यहाँ पे आप देखिए
इसके लिए कोड क्या है 4515459। ओके, मैथमेटिक्स के लिए आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लॉजिक देखेंगे। हम यहाँ पे देखें तो मैं एम के लिए तो 4 है बट सभी लेटर्स हमें नहीं मिल रहे, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। जब भी नंबर्स में वैल्यू होती है तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, पोजीशन वैल्यू पे लॉजिक लगा होता है। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन देखें तो एम कौन सी पोजीशन पे होता है, एम इज एट 13th पोजीशन, बट यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है। ई इज एट 5th पोजीशन, यहाँ पे हमारे पास 5th है, ए इज 1 तो 1 मिल रहा है, एन हमारे पास होता है 14th पे बट यहाँ पे हमारे पास 5 मिल रहा है, डी इज 4th, ई इज 5, R is at 18th, तो यहाँ पे नहीं। तो हमने ध्यान देखना है कि एक तो अपने पास में ये वाला वर्ड है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखते हो तो क्या हो रहा है, 4 कैसे बनेगा अगर हम इसकी जो नंबर्स हैं उन दोनों की ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में 4 आ जाएगा। यस, डिजिट्स को ऐड करना है, 3+1 इज इक्वल टू 4, 1+4 इज इक्वल टू 5 एंड 1+8 इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो पोजिशन है उस पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है हमारा उसकी डिजिट्स को प्लस करना है। ओके, तो यही हम अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स के लिए देखिए अपने पास में क्या बनेगा, यस मैथमेटिक्स आई आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए क्या बनेगा अपने पास में, एम के लिए 4, A is at 1, T is 20, 2, 0, 2 plus 0, 1, 2 आएगा आपके पास, H is at 8th position, E is at 9th position, M 13, 1 plus 3 is equal to 4, 1, T is 20, I is at 9th position, C is 3 and S is at 19th position, 19th position means 2, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बनेगा इसका, yes, ये यहाँ से अपने पास में 9 है, देखो 19th पोजीशन पे है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 20, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो क्या बनेगा 2। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, okay? 2 नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे 10 आएगा ना, 9+1 इज इक्वल टू 10। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे, 9+1 अगर हम करेंगे दिस विल बी 10 और 10 से हमारे पास क्या बनेगा 1, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं कोड क्या बनेगा, 41285 412931, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप सभी को कोडिंग एंड डिकोडिंग पे जो भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हाँ जी आपके डाउट्स क्लियर किए जाएं। So it was all for today. Thank you so much.